Hey glam fam, welcome back to my channel. I hope you're all safe and doing great. So guys, in today's video I'm going to create this beautiful soft glam makeup look, and ये full face makeup look मैंने create की है using only 6 makeup products. जी हाँ guys, ये makeup look मैंने create की है सिर्फ 6 makeup products को use करके. So if you guys interested to know how I create this makeup look, then please video को end तक जरूर देखिएगा. पसंद आए तो इस video को like, share, subscribe करना मत भूलिएगा. So yeah guys, without further ado, let's jump into the video. So face को मैंने पहले से ही moisturize कर ली है. अभी मैं use करने वाली हूँ नायका का ये prep me up face primer. तो मैंने इतने से primer ले ली है, इसे मैं T-zone area में focus कर के फेस में अप्लाई करूंगी. गाइस, ये प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है. ये आपके बेस को इतना अच्छा वेलवेटी स्मूथ बना देते हैं कि आप इजीली एफर्टलेसली मेकअप को अप्लाई कर पाओ. उसके साथ साथ ये आपके ओपन पोर्स को या फिर फाइन लाइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर कर देते हैं. प्राइमर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर. आज मैं कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, एंड ये बेसिकली मैं फोकस कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे फेस में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि अंडर आइज में, माउथ के चारों तरफ. एंड ये फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं थोड़ी सी फोरहेड में, नोज के ऊपर एंड चिन में भी थोड़ी अप्लाई करूंगी. एंड अभी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी. एंड आई एम रियली सॉरी कि ये ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ी सी डर्टी दिख रही है, क्योंकि इससे पहले मैं एक शूट कर रही थी एंड क्लीन करने की मुझे चांस ही नहीं मिली. सो यहाँ गाइस, कंसीलर को मैं अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी ताकि वो सीमलेसली ब्लेंड हो जाए. कंसीलर को सेट करने के लिए मैं नेक्स्ट यूज कर रही हूँ शुगर का ये ट्रांसपेरेंट कॉम्पैक्ट पाउडर. एंड इसे मैं अंडर आइज में, फोरहेड में, बेसिकली टी जोन को फोकस करके मैं अप्लाई करूंगी. एंड उसके साथ साथ मैं चिक बोन के नीचे भी अप्लाई करूंगी ताकि यू नो ब्रॉन्जिंग के बाद थोड़ी सी डिफाइंड लुक मिले. बहुत ही अच्छा दिखता है ऐसा करने से. After 10 to 20 seconds, मैं फेस के सारे एक्सेस पाउडर को एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से डस्ट ऑफ कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ गाइज रेवोल्यूशन मार्स आई शेडो पैलेट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट गाइज, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है. इवन गुड क्वालिटी वाला आई शेडो पैलेट है. बहुत सारे डिफरेंट आई मेकअप कर सकते हो आप इसके साथ. इवन फेस का भी मेकअप कर सकते हो, जैसे आज मैं करने वाली हूँ. फर्स्ट मैं ड्रॉ करने वाली हूँ आईब्रो. यहाँ पे मैं मिनिसो का ये एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ. यहाँ से मैं पिक करूँ ये वाला ब्लैक शेड. सो फर्स्ट मैं एक आउटर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से अच्छी तरीके से गैप्स को फिल करूंगी ताकि कहीं पे भी गैप्स ना दिखे एंड आईब्रो आर्टिफिशियल लुक ना दे. फॉर ब्रॉन्जिंग ये वाला सॉफ्ट ब्राउन शेड मैं पिक कर रही हूँ. बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक ब्रॉन्जिंग इफेक्ट दे रहा है. सेम तरीके से मैं नोज को भी अच्छे तरीके से ब्रॉन्ज कर लूंगी. फॉर ब्लशर ये दोनों शेड मिक्स करके मैं यूज करूंगी एंड सेम फ्लैट एंगल ब्रश के हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ. देख सकते हो वाओ कितना अच्छा लुक दे रहा है. तो अभी फेस को हाईलाइट करने के लिए ये वाला शेड मैं पिक कर रही हूँ. इसे मैं अप्लाई करूंगी नोज के ऊपर, दोनों साइड के चिक बोन में, चिन में, फोरहेड में, बेसिकली जहां जहां मुझे हाईलाइट करनी. नाउ फॉर आई मेकअप ये दोनों शेड मैं पहले पिक कर रही हूँ. अभी एक स्मॉल फ्लफी ब्रश के हेल्प से आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक क्रीज के ऊपर इस कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी. अभी मैं ये वाला एकदम लाइट ब्राउन शेड को पिक कर रही हूँ एंड एजेस को अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना दिखे. अभी मैं सेम डार्क ब्राउन शेड को लेकर लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूंगी हल्का सा स्मोकी इफेक्ट पाने के लिए. इसमें ये वाला शिमरी शेड को पिक कर रही हूँ आईज के इनर कॉर्नर से लेके मिडिल लिप तक इसे अप्लाई कर रही हूँ. देन उसके बाद एजेस को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी. सो यहाँ पे मैं सेम स्मॉल एंगल ब्रश के साथ ब्लैक शैडो को लेके एक फॉक्सी आई लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ. सो फॉर मस्कारा टुडे आई एम यूजिंग लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारास. ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्ट करते हैं, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है एंड ये आपके लैशेस को इंस्टेंटली वॉल्यूम एंड लेंथ प्रोवाइड करते हैं इन जस्ट वन कोट. नेक्स्ट गाइस लिपस्टिक पे मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन सुपर स्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक 70 अमेज़ॉनियन. ये भी बहुत ही अच्छा लिक्विड मैट लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड स्मच प्रूफ है. लास्ट में आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लेते हैं सेम हाइलाइटर से. सो यहाँ गाइस दिस इज द फाइनल लुक. आई होप कि ये मेकअप लुक आप सभी को पसंद आया हो जो कि मैंने ओनली 6 मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करके क्रिएट की है. अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज अपलोड करूँ आप लोग के पास सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी. टिल देन टेक केयर, बाय.